हाय गाइस, फहीम किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बना के दिखाने जा रहे हैं मुरादाबादी बिरयानी, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जूसी होती है। और इसको बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। आइए देख लेते हैं हमको इसमें क्या क्या चाहिए। गाइस, मुरादाबादी बिरयानी बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए मुरादाबादी अचार, जो हमको किसी भी बड़ी दुकान में मिल जाएगा। हमने 100 ग्राम मुरादाबादी अचार लिया है। यह आप मुरादाबादी बिरयानी बना के किसी भी दुकान से ले सकते हैं। और 100 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास। और हमारे पास जो है कुछ जो है हमारे पास खड़े मसाले हैं, जो हमने सारे मसालों को मिश्रण बनाया है, ये इसमें पड़ता है। और करीब 100 ग्राम हमारे पास है मिर्चे, और हमारे पास एक प्याज है, हमारे पास 2 टीस्पून जो है वो अजवाइन का पेस्ट है, और 3 से 4 तेज पत्ते, और नमक लिया है अपने स्वाद अनुसार। 2 किलो बिरयानी हम बनाने जा रहे हैं डेक में। तो 2 किलो बिरयानी में हमने करीब 900 ग्राम तेल लिया है। हमारा तेल हो गया है, अब हम इसमें अपनी प्याज डाल देंगे, जो हमने एक प्याज काटी थी, और उसको जब तक लाल ना हो जाए जब तक भूंज लेंगे। हमारी प्याज हो गई है, अब हम इसमें अपने खड़े मसाले डाल देंगे। ये देखिए, हमने अपने सारे खड़े मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब उसके बाद हम अपने हरी मिर्ची डालेंगे, क्रेश की हुई हरी मिर्ची डाल दी हमने। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुंज गया है, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। हमने तो अपने चिकन को ज़्यादा लिया है, 4 किलो लिया है, लेकिन आप घर में बनाएं तो आप 2 किलो चावल में 2 किलो चिकन का इस्तेमाल करें। हमने अपने दुकान के लिए बनाया है, इसलिए हमारे पास चिकन ज़्यादा है। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। चलाते रहेंगे क्योंकि नीचे गैस जल रही है। अब हम इसमें अपना अचार डाल देंगे, जो हमारा मुरादाबादी अचार है वो डाल दिया है हमने। इसको भी हम अच्छे से मिलाएंगे, और हमारे जो अजवाइन पाउडर है और तेज पत्ते हैं वो डाल देंगे। ये देखिए, अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक। तो गैस, जैसे कि आप जानते हैं कि मुरादाबादी बिरयानी जो है पसाई नहीं जाती है, तो इसमें हम पानी की क्वांटिटी बिल्कुल नाप के रखते हैं। 4.5 लीटर पानी पड़ेगा 2 किलो चावल में। आप अगर 1 किलो के बना रहे हैं तो वही हिसाब से उसका आधा पड़ेगा। तो ये देखिए गैस जो है, अब हमारा 4.5 लीटर पानी हमने डाल दिया है। देखिए इस तरीके से हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में जो है हम इसमें अपना ढक्कन बंद कर देंगे। यहाँ पे हमारे गैस का फ्लेम जो है फुल हाई रहेगा। जब चारों तरफ से हमारे में भाप आने लगेगी, तब हम ढक्कन खोल के अपने चावल डालेंगे, जो कम से कम हमने 1.5 से 2 घंटे पहले भिगा के रखे थे वो चावल डाल दिए हैं। हम चावल को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसको जो है कम से कम 6 से 7 मिनट तक पकने देंगे। अच्छे से ढक्कन बंद करके इसको हम 6 से 7 मिनट पका लेंगे। ये देखिए, एक बार इसको हम चला लेंगे, ज़्यादा हमारी बिरयानी चलाई नहीं जाती है, एक ही बार इसको हम चलाएंगे। और अब देखिए, ये जितना पानी इस टाइम पे दिख रहा है, ये इतना पानी कम से कम होना चाहिए हमारे दम पे लगाने के लिए। तो अब हम इसको जो है बिल्कुल गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे, और इस पर ढक्कन बंद करके हम आराम से इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक इसको हम पकने देंगे। 10-12 मिनट बाद फिर हम इसको देखेंगे। हमारी बिरयानी को दम पे लगे हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं, अब हम खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें पानी वानी नहीं है, बिल्कुल ये सूख गया है, चावल इसके सब जो है हो गए हैं लगभग। अब हम इसमें कलर डाल देंगे। हमने मिला के अपने पास से कलर रखा हुआ था, केवड़ा वाटर और कलर हमारे पास मिला हुआ था, आप मिला के रखें जब बनाएं। अब हम इसको अच्छे से डाल लेंगे। कलर डालने के बाद में हम इस पर 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर देंगे, ताकि हमारा कलर जो है अच्छे से चावल में माइल्ड हो जाए। और अब आइए देखते हैं हमारी बिरयानी। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी दिख रही है हमारी बिरयानी, बनके तैयार है।
ये देखिए हमारी मुरादाबादी बिरयानी, जो कि बहुत ही आसानी और बहुत ही जल्दी से बन जाती है, और इसमें कुछ मसाले भी नहीं लगते हैं ज़्यादा, और बहुत ही अच्छी है। अब हम इसको अपने जो है प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे। आप भी जो है अपने घर पर ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिए। हमारे शॉप लखनऊ कैंपल रोड मानस हॉस्पिटल के पास है और KGN नाम से है। आप यहाँ आके बिरयानी खा सकते हैं। अब हमारी बिरयानी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है और हमारे पास है इसको इसमें मिक्स करने के लिए एक ख़ास तरह की चटनी होती है जो टमाटर और लाल मिर्च से बनाई जाती है, और हमारे पास चाट मसाला है जो इसको छिड़क के हम खाते हैं, और हमने अपना दही बनाया हुआ है। आप अपने घर में जैसे भी दही बनाते हैं वैसा बना के खा सकते हैं इसमें डाल के, और एक बार ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।